इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। ये खूबसूरत पैलेस आज केरल के कोची आने वाले लोगों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। मटानचेरी पैलेस, जिसे डच पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, कोची के मटानचेरी में स्थित है और इसका अपना एक अद्भुत इतिहास है। इसे पुर्तगालियों ने बनवाया था, उसके बाद डच ने इस पर फिर से काम कर इसे और भव्य बनाया। ये कोची रियासत का शाही निवास स्थान भी रहा है। अपने सुंदर स्थानीय वास्तुकला के साथ साथ मटानचेरी पैलेस स्थानीय इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 14वीं और 15वीं शताब्दी में कोची दुनिया के विभिन्न हिस्सों के व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र था। इसकी वजह थी केरल की काली मिर्च। एक समय यहाँ की काली मिर्च का मूल्य इतना ज्यादा था कि उसे ब्लैक गोल्ड या काला सोना कहा जाता था। केरल के मुजीरस जैसे विभिन्न बंदरगाहों से पूरे विश्व में व्यापार किया जाता था। यहाँ आने वाले लोगों में अरब, पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश आदि शामिल थे। ये व्यापारी अक्सर कोच्चि के शासकों को प्रभावित करने की कोशिश करते थे, ताकि राज्य के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध बनाए जा सकें। और ऐसे ही एक प्रयास की वजह से आज मटानचेरी पैलेस हमारे सामने है। सन 1555 के आसपास मटानचेरी पैलेस मूल रूप से पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था। ये कोच्चि के राजा वीरा केरल वर्मा के लिए एक उपहार था। इस तरह पुर्तगाली कोच्चि के राजा से अपने व्यापारिक संबंध मजबूत करना चाहते थे। मगर 17वीं शताब्दी में जब पुर्तगालियों और डच के बीच लड़ाई हुई, तब ये पैलेस नष्ट हो गया था। बाद में डच लोगों ने इस पैलेस को दोबारा बनवाया, उसी वजह से इसका नाम डच पैलेस पड़ गया। पैलेस का जो एक बेहद मुख्य हिस्सा है, उसका भी शाही इतिहास है। मटानचेरी पैलेस का इस्तेमाल कोच्चि का शाही परिवार, रॉयल हाउस या शाही निवास के रूप में करता था। ऐसा कहा जाता है कि कोच्चि के नए राजाओं के राज्याभिषेक से जुड़े महत्वपूर्ण समारोह इसी महल में आयोजित किए जाते थे। मटानचेरी पैलेस केरल की वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। ये स्थानीय नालुकेट्टू शैली में बना है। इस शैली के तहत यहाँ बीच में एक बड़ा आंगन है और चार अलग अलग हिस्से इस आंगन से जुड़े हैं। पैलेस का एक सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ के ये सुंदर भित्ति चित्र, जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये भित्ति चित्र केरल के मशहूर भित्ति चित्रों की परंपरा का हिस्सा है, जिन्हें ज़्यादातर मंदिरों में देखा जा सकता है। मटानचेरी पैलेस में आपको चित्रकारियों के बीच रामायण के दृश्य और कृष्ण लीला के चित्र भी देखने को मिलते हैं। पैलेस की लकड़ी की छत पर सुंदर नक्काशी भी की गई है। पैलेस में आज भी कोच्चि के शाही इतिहास की झलक देखी जा सकती है। यहाँ का संग्रहालय मई सन 1985 में स्थापित किया गया था। इसमें कोच्चि के राजाओं की पालकी, कपड़े, हथियार, शाही छतरियाँ, तलवारें, सिक्के आदि रखी गई हैं। सन 1864 के बाद से कोच्चि के राजाओं के बड़े चित्र एक लंबे हॉल में देखे जा सकते हैं, जो मूल रूप से राज्य अभिषेक हॉल के रूप में उपयोग किया जाता था। मटानचेरी पैलेस आस्था का भी एक केंद्र है, क्योंकि यहाँ आंगन में एक मंदिर भी है जो पड़यन्नूर भगवती को समर्पित है, जिन्हें शाही परिवार की देवी माना जाता है। महल के परिसर में भगवान शिव और भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर भी है। केरल की मिश्रित संस्कृति, उसके व्यापारिक इतिहास और कोच्चि के इतिहास को दर्शाती मटानचेरी पैलेस वास्तव में खास है और इसे कम से कम एक बार ज़रूर देखा जाना चाहिए।